नमस्कार, प्रणाम। हम बीजेपी के पूर्व सांसद आरके सिन्हा के फार्म हाउस आए हुए हैं और जहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है, सब्जियों की खेती जो है वो ऑर्गेनिक तरीकों से उपजाई जाती है। तो इस वीडियो में बेसिकली हमने टूर करवा दिया आरके सिन्हा के फार्म हाउस का। अब इस वीडियो में बेसिकली हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से खेत में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है और तमाम चीज़ किस तरीके से खाद बनाए जाते हैं, चाहे वो जैविक खाद हो, चाहे वो जैविक खाद में ही लिक्विड खाद किस तरीके से बनाया जाता है, सब कुछ बताने के लिए प्रभात जी हैं। तो चलिए, ये उनका वो अड्डा है फार्म हाउस का, यानी कि वो कोना है जहाँ पर ये जैविक खाद बनाते हैं और खेतों में देते हैं और सब्जी हो या कुछ भी एम लहलहा के फरता है। भाई साहब, चलिए कैसे बनाते हैं जैविक घोल बताइए प्रभात जी। बोलिए बोलिए। ये हमारा गौ कृपा अमृत है, जो कि हम लोग गौ कृपा अमृत में 7 प्रकार 8 प्रकार के सामान मिलाते हैं। उसके बाद गौ कृपा अमृत का तो हम लोग रोज तैयार करके, पहले उसको हम गौ कृपा अमृत जो तैयार करते हैं, मध है, घी है और मट्ठा है, गोबर है, गौ मूत्र है, मीठा है, ये सब मिलाकर हम लोग तैयार करते हैं गौ कृपा अमृत। और उसके बाद हम लोग गौ कृपा अमृत 1 लीटर से हम लोग 100 लीटर के आसपास तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद एक ये जो है ये टैंक है जो हमारा 10 बर्नी का है। 10 बर्नी में हम लोग जो जानवर नहीं खाता है जो चीज़ वो चीज़ का हम लोग बनाते हैं, जिसमें ब्याया है और 10 प्रकार के चीज़ डालते हैं। कांग्रेसिया घास है, ब्याया है, इत्यादि। देखिए, हर तरह का हम लोग जो नहीं खाते हैं जानवर वो हम लोग डालते हैं और उससे हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या क्या है ये बताइए। इसमें सर जो खाद बनता है, हाँ, उसमें मीठा वगैरह ये सब। कितना क्वांटिटी क्या क्या रखते हैं? देखिए, अगर सरल भाषा में अगर हम शहर के लोगों या किसानों को समझाने की कोशिश करें, ये 1000 लीटर का लगता है जो टंकी है, ठीक है, इसमें कितना कितना मीठा, कितना कितना क्या क्या घोल। जीव अमृत है। हाँ, जीव अमृत। हाँ, जीव अमृत में हम लोग डालते हैं 15 किलो मीठा, 15 किलो गुड़, 15 किलो मीठा हुआ, 15 किलो बेसन, 15 किलो आपको किसी पेड़ छाव छायादार पेड़ जो होते हैं, नीम के पेड़ है, चाहे नीम के पेड़ है, चाहे बांस के पेड़, चाहे बरगद का पेड़ का मिट्टी डालते हैं 15 किलो। और उसके बाद इसको हमको जीव अमृत हम लोग बनाते हैं। कितने दिन में, मतलब जितनी क्वांटिटी आपने बोला उतना मैंने इसमें डाल दिया। पानी कितना रखा? 15 किलो में 700 लीटर, ठीक है। और कितने दिन तक इसी तरीके से छोड़ देते हैं? करीब 1 हफ्ता में हमारा तैयार हो जाता है। 1 हफ्ते में 700 लीटर में 15 किलो जो क्वांटिटी बताया आपने छोड़ दिया और फिर ये तैयार हो गया। अब इसको खेतों में कैसे देते हैं? खेतों में हम लोग यहाँ से निकालते हैं, स्प्रिंकलर द्वारा देते हैं, हाँ, और मोटर द्वारा हम लोग फिट किए हैं। क्या उसके बाद भी पानी पड़ता है उसमें कि वही अमाउंट रह जाता है? नहीं नहीं नहीं, पानी पड़ता है, पानी द्वारा हम देते हैं। अच्छा, मोटर यहाँ से निकाल द्वारा, स्प्रिंकलर द्वारा, हाँ, निकाल कर हम लोग डब्बा में इकट्ठा करते हैं। इसके बाद में जो प्रेशर मशीन आता है उसमें हम लोग मिलाकर इसके बाद में स्प्रे करते हैं। अच्छा, यानी कि ये जीवा अमृत तैयार हो गया, उसके बाद इसमें पानी मिलाया जाता है। अगर ये देखिए 700 लीटर में मोटा मोटी अगर पूछे तो कितना लीटर, 5000 लीटर पानी और रहता होगा या 10000 लीटर? जी, उतना लीटर और पानी मिलाया जाता है। सब कुछ एक साइंटिफिक इनका प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से फिर ये जीवामृत जो है वो खेतों में जाता है। और इसे और कितने महीनों में या कितने दिन के अंतराल पर जीवामृत खेत में देते हैं आप? जब पानी देंगे, पटौन करेंगे तब हम पानी देंगे। अच्छा, इसे कोई बाध्यता नहीं है? 7 दिन में 10 दिन में 15 दिन पर 15 दिन में ये लिक्विड खाद जैविक खाद देने से मतलब कि अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ता है। और ये क्या है सर? ये तो पानी लग रहा है मुझे। बेस्ट डीकम्पोजर है। अच्छा, बेस्ट डीकम्पोजर ये है आपको, जो कि हम जुताई के पहले इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये गोबर ही का है ना? नहीं, ये गोबर नहीं है, बादाम ग्रोथ है। वो क्या होता है? बादाम का जो खल्ली होता है उसका हम ये ग्रोथ बनाए हैं। अच्छा, बादाम के खल्ली को इन्होंने पानी में डाल दिया, वो फूल रहा है। हाँ, 8 दिन में ये हमारा तैयार हो जाता है, इसके बाद हम फसल में देते हैं, ऐसे हमारा ग्रोथ बनता है। ये आयोडीन और कार्बन सबका मौजूद मात्रा में प्राप्त हो जाता है। और ये क्या है इधर चैम्बर में? ये लगता है उधर ही का आता है सब वाटर, कचरा है, कचरा वाला। हाँ, ये जीव अमृत है। ये भी जीव अमृत है जी।
तो देखिए ये लिक्विड फर्टिलाइज़र ये कह सकते हैं कि जैविक खाद, लिक्विड जैविक खाद किस तरीके से बनाते हैं इन्होंने विस्तार से बताया। हालांकि ये किसानों के लिए है, लेकिन शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो इसे बाल्टी में प्रयोग करके कर सकते हैं, छोटे से बाल्टी में जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। और ये जो है ना जीवा अमृत, नाम में ही इसके अमृत आता है, तो कहीं ना कहीं फसलों को इस तरीके से फ़ायदा करता है। और दूसरा इनका कॉन्सेप्ट देखिए, आर के सिन्हा जी ने मुझे भी साफ तौर पर बताया और प्रभा जी भी बता रहे हैं कि इनकी खेती का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। ये ज़्यादा तामझाम नहीं करते हैं। जैविक खेती में सबसे बड़ा योगदान जो है वो गोबर का होता है, और गोबर इनके पास, हाँ, गोबर और गौमूत्र, गोबर और गौमूत्र के इस्तेमाल से ही जैविक खेती जो है वो करते हैं। और इस तरीके से करते हैं कि इतना उपजाते हैं कि बांटते हैं और बांटते हैं, इतना बांटते हैं कि मैं एक तरह से कह सकते हैं कि पूर्ण। और यहाँ पर ये नेशनल एंथम 15-26 जनवरी को झंडा भी फहराते हैं आप लोग। जी, 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 बिल्कुल, ये बहुत सही काम है। चलिए, हम लोग हिंदुस्तानी हैं और कृषि प्रधान देश है हम लोग का, और हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान करते हैं। और 15 अगस्त 26 जनवरी को हम लोग यहाँ पर सभी लोग, सभी स्टाफ मिलकर, हो सकता है कभी कभी CMD साहब, आर के सिन्हा साहब भी आते हैं, हम लोग के साथ झंडा फहराते हैं। और उसके बाद में हम लोग पूरा ज्वार का किसान को एकत्रित करते हैं और मिठाइयाँ हम लोग बांटते हैं। और जो किसान हम लोग के यहाँ से जैविक खेती यानी कि यहाँ से जो भी रॉ मटेरियल है हम लोग का, जैसे खाद खली सब बना रहे हैं, वो लोग अगर ये उपयोग करना चाहते हैं तो मानिए कि हम लोग के यहाँ से ले जाते हैं। और इसके बाद में वो भी अपना थोड़ा में जो घर में खाने पीने का, जो जैसे आलू हो गया जो घर में रखते हैं 3-4 महीने चलता है, उसमें मानिए प्रयोग करते हैं। चलिए, अच्छी बात है। ये सब देखिए फूल के पौधे, और बेसिकली इस वीडियो में मैंने बताया, टूर का वीडियो मैंने एक और बनाया है, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत काम किए हैं। अगर आप ये फार्म हाउस अगर घूमना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो घूम सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपका जब मन करे घूमिए। और दो कद्दू रखी हुई है, मैं ऐसे लेके जाने वाला हूँ। और दो से क्या होगा, 2-4 दीजिए और दीजिए, ऐसे अच्छा नहीं काम चलेगा। हाँ, दो कद्दू में हम ठगाने वाले नहीं हैं, कद्दू में ठगाने वाले नहीं है, हम आपको ठग नहीं रहे हैं। ये हमारा स्वदेशी भेंट है, स्वदेशी भेंट है। चलिए, बहुत मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा, आप लोग इसी तरीके से काम जो है वो करते रहिए। चलिए, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं।